कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोरोना काल में गोल्ड ने निवेशकों को जमकर रिटर्न दिया है। पहली लहर के बाद तो ये अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इसकी कीमतों में गिरावट आई और अब एक बार फिर सोना चमकने को बेकरार नजर आ रहा है। बीते एक साल में देखें तो सोने की कीमत 43,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गई है। रूस यूक्रेन में जंग की आहट के बाद तो सोने की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली है। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष में नरमी आने के बाद मुनाफा वसूली के चलते गोल्ड के भाव में गिरावट भी देखी गई है। ऐसे में निवेशक दुविधा में हैं कि क्या सोने में निवेश का ये सही समय है या इसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। इस दुविधा को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल तो सोने में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिससे इसके भाव में कमी आएगी। लेकिन रूस यूक्रेन संकट दूर होता दिखाई देने के बाद भी दुनिया भर में बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। ये चिंता ही सोने की कीमतों को बढ़ने में मदद कर सकती है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम $1,900 के आसपास हैं, जो कुछ गिरावट के बाद $1,865 तक आने का अनुमान है। लेकिन इसके बाद अगले 3 से 4 महीनों में सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़कर $2,000 पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं घरेलू बाजार के MCX में इसकी कीमत 52,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा सकती है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट के बावजूद ये $90 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफे की आशंका है, जिससे सोने के दाम में तेजी बनी रह सकती है। लेकिन RBI ने महंगाई के मार्च में पीक पर होने का अनुमान लगाया है। ऐसे में अगर अप्रैल से महंगाई कम होना शुरू होती है तो फिर सोने में ये तेजी सीमित भी हो सकती है। लिहाजा निवेशकों को जोखिम के हर पहलू को ध्यान में रखकर ही गोल्ड में निवेश करने का फैसला करना चाहिए।